इनविटेशन करना है तो हमें एक फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर्म क्या है? सबसे पहले एफ ओ आर एफ, एफ का मतलब होता है दोस्त फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। एफ यानी कि फैमिली यानी कि परिवार, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ओ यानी कि ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन यानी कि कामकाज। ये सुनो, कामकाज। आज का मतलब होता है रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है मौज मस्ती। एम, एम का मतलब होता है मनी यानी कि पैसा, और एक एम का मतलब होता है मैसेज यानी कि संदेश। एम यानी कि मनी यानी कि पैसा। ये हो गया हमारा फॉर्म, फॉर्मूला। इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इनविटेशन में बहुत कुछ सुधार आएगा, जहां से आप सीख सकते हैं कि हमें इनविटेशन कैसे करना है। अब इसके आगे में बात कर लेता हूं दोस्त। एफ जो फैमिली है, फैमिली में दोस्त आ जाता है हमारा सी, यहां पे भी सी आएगा, यहां पे भी सी आएगा, यहां पे भी सी। अब हम बात कर लेते हैं सी। सबसे पहले सी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है शाबाशी देना या संतावना देना, शाबाशी देना या संतावना देना। नेक्स्ट है सी यानी कि हमारा कंट्रोल यानी कि रुकना। सी हमारा आएगा क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा जगाना। जिज्ञासा जगाना। सी हमारा आएगा कमिटमेंट यानी कि वादा करना। ये हमारा है फार्मूला जो है फ्रॉम फॉर्म का। इस फॉर्म को यदि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इनविटेशन में तो बहुत ही कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब मैं डिटेल से बात करता हूं कि इसको हमें कैसे यूज करना है, इसको हमें कैसे यूज करना है, ये मैं आपको बताता हूं और आपसे एक दो लाइव डेमो भी करवाऊंगा। तो आर यू रेडी? यस सर। चलिए, टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ, मैं आपसे बोला था एक ही डेढ़ घंटे बात करूंगा। रेडी? यस सर। चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले एप, एफ का मतलब होता है फैमिली। तो इसको हमें कैसे करना? सबसे पहले कॉल लगाना। जैसे मैंने मान लिया कॉल आया रमेश को, हेलो रमेश भाई कैसे हैं? नमस्कार, आपकी फैमिली में कैसे सभी लोग? बोलेगा बहुत अच्छे। यदि वो बोलता है कि फैमिली में बहुत अच्छे हैं, तब आपको करना है शाबाशी। चलिए बहुत अच्छी बात है, भगवान की दुआ बनी रहे, जो भी है सारी चीजें अच्छा रहना चाहिए। यदि वो बोल रहा है आपके परिवार में, आप उसके बारे में पूछ रहे हो कि कैसे हैं, क्या है, आंटी अंकल कैसे हैं, तो आपको ये जो बोल रहा है परेशान है, मम्मी एडमिट है, ये तो आपको संतावना देना। उस हॉस्पिटल में दिखा लो, उस डॉक्टर को दिखा लो, उन्हीं में माहौल में रहना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फैमिली के बारे में पूछना है। हेलो रमेश, घर में कैसे हैं सभी लोग? मम्मी पापा कैसे हैं? आंटी अंकल कैसे हैं? भाई लोग कैसे हैं? यही तक सीमित रहना, ठीक है? यस सर। कहीं बहन के बारे में ना पूछना, कुछ लोगों को पूछ सकते हैं, जैसे वैसे कुछ लोगों को वो हो जाता है कि ये क्यों पूछ रहा है, वो नहीं होता। तो आपको सीमित रहना है फैमिली तक, अंकल आंटी भाई। आर यू रेडी? यस सर। चलिए नेक्स्ट है हमारा काम का। जाहिर सी बात, आप उससे पूछोगे फैमिली के बारे में, आपका दोस्त है रमेश, तो आप पूछोगे और बता रमेश भाई क्या चल रहा है आजकल, क्या काम हो रहा है आजकल। रमेश बोलेगा पढ़ाई कर रहा हूँ, रमेश बोलेगा फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, रमेश बोलेगा यार घूम रहा हूं, कुछ भी बोल सकता है, जो होगा ये सब। जैसे ही आप उसके काम के बारे में पूछोगे तो कहीं ना कहीं वो भी काम के बारे में पूछेगा। अरे यार ये बता रमेश भाई, चल क्या कहते हैं, मैं यार पढ़ाई कर रहा हूँ यार, काम वाम कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ तू क्या कर रहा है? जब वो आपसे पूछे कि तू क्या कर रहा है, तो आपको यहाँ पे सी कंट्रोल, जो शायद हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं।
हम क्या करें, जैसे पूछा भाई साहब क्या कर रहे हो, अरे भाई ऑफिस में काम कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन हेल्थ केयर का है, ये बड़ा कुछ बोल देता है। अब वो उसकी वहां पे जिज्ञासा खत्म हो जाती है, वो पूछेगा नहीं बता। तो हमें यहाँ पे कंट्रोल, रुकना है, सबसे पहले काम के बारे में उसे उसके पूछ लेना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जब जैसे ही वो आपके काम के बारे में पूछे तो कंट्रोल रुक जाना है, बोलना है अरे यार मेरा भी बहुत, लेकिन ये भी ना बोलना है छोड़ सर, अरे यार मेरा भी बहुत अच्छा ऑफिस में काम लग गया है, अरे मेरी छोड़ यार तू अपनी बता कैसे क्या है क्या नहीं। अब कहां पे आ जाना है, मौज मस्ती, रिक्रिएशन, मौज मस्ती, मौज मस्ती मारा, अरे छोड़ यार ये बता, अरे यार वो मूवी देखने गए थे, मूवी की बात करना, और या कोई आपके साथ कोई फनी कमेंट हुआ वो बात कर लेना, या आपकी ऐसी वैसी गर्लफ्रेंड की बात होती है तो भी कर लेना, चलता है ये, सुनो बात करें। और बता बाकी कैसी है, क्या हो रहा है क्या नहीं, रिक्रिएशन जैसा भी हो वैसा आप रिक्रिएशन कर सकते, मौज मस्ती करनी है। क्योंकि देखो जब रिक्रिएशन मौज मस्ती करोगे तो वहां पे उसको चीजें क्लियर, आपकी यहाँ पे बातचीत करने का तरीका बन जाएगा, आपका थोड़ा और ग्रोथ एंड रिलेशन बन जाएगा जब रिक्रिएशन मौज मस्ती करोगे। नेक्स्ट, जैसे ही मौज मस्ती का आता है आपको जिज्ञासा जगाना है तुरंत, अरे यार मैं ऑफिस में जो काम करता हूँ बड़ा गजब का है, बड़ा मजा आता है यार, फिनिक्स मॉल जाता हूँ दोस्तों के साथ घूमने के लिए, जाओ फोटो खींच लिया, अरे यार वहां गया था बड़ा मजा आया, अरे यार यहाँ पे दोस्त है मेरा हाँ वो बड़ा मजा उठाता है, बड़ा बढ़िया बंदा है यार, दो तीन घंटे का काम रहता है बिंदास तरीके से, आप उसे ऐसी ऐसे पॉइंट मारो जिसको उसे जिज्ञासा रहे, वो फिर पूछने पे मजबूर हो जाए, अच्छा बताया तू करता क्या है, तूने बताया नहीं अभी तक क्या, अब उससे आप बताओ, अरे यार जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा, और जाहिर सी बात जब उसे आप जिज्ञासा जगाओगे तो जाहिर सी बात पूछेगा, अरे यार रमेश भाई यहाँ तू काम करता है मेरा भी बुरा लगता है। तो जब इंसान को आप जिज्ञासा जगाओगे, क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा करोगे, तो उसके अंदर एक उत्साह जगेगा, यार मुझे भी जाना चाहिए इसके साथ, तब वो आपसे बोल देगा, कहेगा यार मेरा भी हो कोई जुगाड़ मेरा भी कोई काम हो बर्बाद हो। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोलना है हाँ हो जाएगा काम, नहीं आपको वही चीज अपनाना है, सबसे पहले आप जब उनको बता रहे हो सारी चीजें तब सीधा बोलो, एक भाई यार ऐसे तो भी नहीं काम नहीं पाता, हाँ तू मेरा अपना दोस्त है, तू अपना मेरा भाई है, तू अपने मेरा रिलेशन वाला है, चल तेरे लिए सबसे बात करता हूं मैं, देख क्लियर तो भी नहीं बता रहा काम होगा कि नहीं होगा, मना भी करे एकदम से ना बोले चल ठीक है मैं करता हूँ बात और जैसा होगा उसके बाद, लेकिन एक बात याद रखना मुझे कॉल कर लेना 11 बजे के टाइम पे, देख मैं बिजी रहता हूँ ऑफिस में, भाई चांस में भूल गया ना कॉल कर पाया तो तू करना चाहता वाकई में काम, कल 11 बजे मुझे कॉल कर लेना, होगा काम मैं तुझे बता दूंगा, वैसे कॉल याद रखना कॉल नहीं करेगा तो बता, अब आप उसका वेट करो 11 बजे तक, वो कॉल कर रहा है तो समझ लो थोड़ा एक्साइटेड है, कॉल नहीं कर रहा है तो आपको कॉल करनी नहीं है, पहले बताएंगे कॉल करेगा तो क्या करना। अब उसने कॉल कर दी 11 बजे, हेलो भाई सबसे बात की थी, पहली कॉल करे तो आप उठाओगे, दूसरी कॉल करे ना उठाओ, 4-5 मिनट बाद बैक कॉल करोगे, तो हेलो अरे यार हाँ पता पता क्या यार काम कर रहा था सर ऑफिस में थे इसलिए फोन नहीं उठा पाया यार, एक दो कॉल किया कर यार तू तो फोन ही करता रहता है, हाँ यार पता है यार चुपके से बात करने आया हूँ, हाँ बता, अरे भाई वो काम के लिए बात किया था कि नहीं किया था, अरे यार याद दिला दिया तूने, चल ठीक मैं अभी सर से बात करके बताता हूँ और अभी कोई क्लियर नहीं है मैं बात करता हूँ, ठीक ठीक तूने अच्छा रहा याद दिला, फोन कट करने के बाद अब आपको जो है क्या कहते हैं 1-2 घंटे बाद फिर आप कॉल, 1-2 बजे लंच टाइम के बाद कॉल करो, हाँ बता भाई मैंने बात तब कर दी है सर से काम वाम हो जाएगा टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन यार तू कर नहीं पाएगा, अब ये वर्ड उससे यार तू कर नहीं पाएगा, जब ऐसा किसी को बोलेगा तो लोग बोलेगा क्यों नहीं कर पाऊंगा, यानी उसके अंदर थोड़ा वो आ जाता है मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, अब बोले पूछे क्यों नहीं कर पाऊंगा, बोलेगा दे यहाँ पे लगता है पैसा, यहाँ पे लगता है पैसा, बोले कितना पैसा लगता है, उसका सवाल लेगा कितना, अरे यार ज्यादा तो नहीं लगता है कम से कम लगता है 50-60 हज़ार रुपये, तो ये अच्छा
पता लगा सकता है तो आगे प्रोसेस बात करूं सर से, ऐसे रहने दो। बोलेगा यार इतना पैसा कहाँ होता है, कैसे क्या है क्या है। अरे यार मजाक कर रहा था, इतना पैसा नहीं लगेगा, छोटा सा छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कम पैसा लगेगा, कितना आए 12 से 13 हजार रुपये लगेगा यार, मैंने बात कर लेगी, टेंशन ना ले, ठीक है बता पैसा कर सकता है तो मैं आगे बात करूँ सर से, वैसे रहने दे। मैंने तो बात कर ली है, मेरे दोस्त है मैं उसका करवा देता हूँ, रहने दे। डायरेक्टली उसे मना करेगा, बोलेगा देख कर सकता है पैसे का, बोलेगा हाँ हाँ कर सकता हूँ, बोला ठीक है कर सकता पैसे, तो मैं आगे तेरा प्रोसेस ऐसा कर, तो अपना रिज्यूम सेंड कर, आधार कार्ड सेंड कर, सारी चीजें मैं तेरा क्लियर करवा देता हूँ। लेकिन याद रखना जब मैं तेरा अप्लाई करवा दूँ सारी चीजें, ये देख अभी बता दे मुझे, वरना मेरी बेइज्जती का सवाल है। कल में तू बोल दे मेरे पास पैसा नहीं हो पा रहा है, कल बोल दे मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो गई, पहुंचना पड़ेगा तुझे, आज ही बता दे वरना मेरी बेइज्जती होगी। बोलेगा नहीं यार पहुंच सकते हैं सारी चीजें, चल ठीक है रखते हैं सामने बात। अब शाम में कॉल उसका खुद आएगा, तुमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद बार बार कॉल करेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। एक भाई फॉर्म को अप्लाई करवा दिया, सारी चीजें डन हो गई, सब कुछ बस सर तब तू इंटरव्यू की तैयारी कर ले, जितना तेरा अच्छी तरीके से इंटरव्यू जाएगा उतना ही तेरा काम अच्छा हो जाएगा। ऐसा कर दुकान पे चला जाना, जनरल नॉलेज की बुक ले आना, 5-10 रुपए की मिलेगी, और अच्छी तरीके से तैयारी कर ले, जैसा आज हम नहीं बोलते नहीं कर, देख सर्टिफिकेट अपने सारे कंप्लीट कर ले, फोटो वोटो कापी फोटो वोटो खिंचवा छुआ के कुछ खिंचवा के मंगवाओ, सारी चीज कर ले, इतने इतने फोटो लगेंगे, 4-5 फोटो लगेंगे, पासपोर्ट साइज, अब ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पैन कार्ड वगैरह ना हो तो बनवा ले, ये सारी चीजें खाता ना हो खुलवा ले, सारा काम कर ले, ये सारी चीजें आप करवा, और करवाने के बाद फिर आप डेट, मेरे दोस्त जो आप डेट बताओगे आएगा, यदि आप इस फॉर्म पे इस फार्मूले पे आप अप्रोचिंग करते हैं तो आपको 100% में दोस्त गेस्ट आपका आ सकता है, बस सर इसको आपको फॉलो करना। वैसे तो अप्रोचिंग का कोई फंडा नहीं होता है, आप जैसे चाहे वैसे बुला लें, जिस इंसान को सीखना है कि हमें आमंत्रित कैसे करना है, इनविटेशन कैसे करना है, उसे ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, और एक बार इस फॉर्मूले को अपना लेगा तो सारी चीजें बेस्ट। यस सर, यस सर, तो इस फॉर्म को हमें अपना, आर यू रेडी? यस सर, करेंगे? यस सर, चलिए।